बहुत मार्केबल मिसाल है, चूंकि आपने चार इमाम की बात की है इसलिए मैं ये बात, वगरना मैं इन बहसों को छेड़ने की मुझको बिल्कुल चाहत नहीं होती। दुनिया में जितनी जिंदगी रब ने दी है अल्लाह के फरमान को लोगों के सामने पेश करने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, नबी के अमल को ही पेश करने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम चारों इमाम के झमेले में क्यों पढ़ने जाएं। लेकिन फिर भी हम आपको एक बात बताते हैं, ये जो आमीन जोर से कहते हैं ना, आमीन जोर से, ठीक है ना, हनफी मसलक में है कि आमीन नहीं कहना चाहिए जोर से, शाफई मसलक में है कि आमीन कहना चाहिए, अब हम क्या करें। वो भी बेचारे दीन की खिदमत करने वाले रहमहुल्लाह, ये भी बेचारे दीन की खिदमत करने वाले रहमहुल्लाह, उन्होंने कहा कि भाई आमीन जोर से मत पढ़ो, और इन्होंने कहा कि आमीन जोर से पढ़ो, ठीक है ना। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के यहाँ या हनफी मसलक के अंदर रफादैन नहीं करना है, और इमाम शाफई के मसलक में रफादैन करना है, हम क्या करने जाए, इन चार इमाम को पकड़ने जाए या अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को पकड़ने जाए। आप मुझको बताइए, मुझको बताइए मैं क्या करूं, मैं तो एक आम आदमी हूं, मेरे ऊपर क्या फर्ज बनता है, क्या जिम्मेदारी है, इन चार इमाम के मामले में हम पढ़ने जाएं या कुरान और हदीस को पकड़ने के लिए जाएं। हमको तो कुरान और हदीस को पकड़ना है, क्यों पकड़ना है, कुरान करीम उठाइए, सूरतुल आराफ उठाइए, सूरतुल आराफ समझते हैं ना, सूरतुल आराफ कुरान करीम के अंदर सातवें नंबर की सूरत है, सातवें नंबर की सूरत में आयत नंबर तीन में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आप आयत नंबर याद कर लीजिए, कुरान करीम की आयत को जाकर के कुरान में खोलिए और पढ़िए और फिर मेरे तर्जुमे से मिलाइएगा, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। लोगो, तुम्हारे रब की जानिब से जो नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो, और रब को छोड़ करके अपने दूसरे वलियों की पैरवी ना करो। अब रब की तरफ से क्या नाजिल किया गया, चार इमाम साहब तो नहीं नाजिल किए गए, रब की तरफ से अल्लाह का फरमान नाजिल हुआ है, रब की तरफ से नबी के ऊपर कलाम नाजिल हुआ है, हमारा नबी जो करके दिखला रहा है वो रब का फरमान है, तो हम उसकी पैरवी करेंगे। और सिर्फ ये चार इमाम ही क्यों भाई, क्या ये चार इमाम का मर्तबा इतना बढ़ गया कि इनके सामने चार जो हमारे खलफाए राशिदीन है क्या उनका मामला पीछे हो गया। नहीं, एक मिनट, मेरी बात पर देखिए, हम कोई पॉजिटिव निगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं ताकि जहन को खोल करके समझना है, हम और आप क्या चाहते हैं, जन्नत में जाना चाह रहे हैं ना, हाँ, या इनको पकड़ के रहना चाह रहे हैं, ये बताइए। हमारा और आपका मकसद है जन्नत में जाने का, इनको पकड़ के रहने का हमारा मकसद नहीं है। हम कहीं ज्यादा बढ़ करके अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हु हैं, और जहां तक इल्म की बात है तो इल्म में भी इन चारों इमाम से बहुत आगे हैं ये चारों खलीफा। तो होना तो ये चाहिए था कि चारों खलीफा का नाम आता, होना तो ये चाहिए था। और एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल करके कहा है, क्या कहा है, कहा है कि फइन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ। देखो लोगों, तुम में से जो कोई भी मेरे बाद जिंदगी गुजारेगा वो बहुत सारे इख्तलाफात को देखेगा, ऐसे वक्त में उसको मेरी तरीके और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके को लाजिम पकड़ना चाहिए। किसका नाम लिया, चार इमाम साहब का नाम लिया या चारों खलीफा का नाम लिया, चारों खलीफा का नाम लिया। याद रखिए, आपको जन्नत में ले जाने के लिए कोई आपका साथ नहीं देने वाला है, चाहे आपके इमाम साहब हों, चाहे आपके आलिम साहब हों, चाहे आपके मुफ्ती साहब हों, चाहे आपके पीर साहब हों, चाहे आपके अमीर साहब हों, कोई आपको जन्नत में नहीं ले जा सकता है। जन्नत में अगर जाना है तो नबी के फरमान को पकड़ लीजिए, और उसके लिए किसी आलिम को खास मत कीजिए, एक आलिम को खास करके कि इसी की बात सच सही होगी, ये गलत है। और सारे खुद इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा है कि इदा सहल हदीस कहुआ मजहबी, जब सही हदीस मिल जाए वही मेरा मजहब है, वही मेरा तरीका है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में से एक बड़े आलिम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का ये कहना कि इदा सहल हदीस कहुआ मजहबी, क्या मतलब, मतलब इमाम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि देखो लोगों, मैं जो मसला बयान करूंगा मुमकिन है कि उसमें गलती हो जाए, अब तुमको हमारा मसला पहुंचा और हमारा मसला कुछ और था,
और सही हदीस कुछ और था, तो ये मत समझना कि मैंने जो कहा है वो मेरा तरीका है, बल्कि ये समझना कि जो सही हदीस है वो मेरा तरीका है। इमाम साहब तो इतना खोल करके बता के चले गए, लेकिन हम लोग वही लकीर के फकीर हैं। याद रखिए, जन्नत में जाने की बात कीजिए और जन्नत में जाने के बारे में सोचिए। कोई भी हमको जन्नत में नहीं ले जा सकता है। जन्नत में अगर जाना है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार करके। अब मैंने एक छोटी सी मिसाल दी थी जिसको हमको समझ लेना था कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह के यहां जो है रफादेन करना चाहिए और इमाम अबू हनीफा के यहां रफादेन नहीं करना चाहिए, हम क्या करें भाई। और इसी से यह बात साबित हो गई कि गलती इनसे भी हो सकती है और गलती उनसे भी हो सकती है, क्योंकि रफादेन करना या ना करना दोनों में से कोई एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकता है, कोई एक ही सही होगा।